हाँ जी नवीन जी नमस्कार जी, आपका मोगा में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे मोगा वासियों का। सर अभी जैसे अभी 2-3 दिन पहले आपका जो प्रोग्राम मोहाली में हुआ है उसको लेके आपका क्या कहना जी? देखिए हमारा कहना पूरे देश में हम एक मुहिम चालू किए हैं, अब वही मुहिम पंजाब में लेके आए हैं जिसका मुहिम का नाम है ग्राहक बोलेगा। इसके पहले भी हमने एक अभियान चलाया था बिल लेकर देखो, जो कि बहुत सक्सेस हुआ था। और हमारा ये अभियान इसलिए है क्योंकि अभी तक ग्राहकों को जो समस्या आती थी उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर हम कहाँ शिकायत दर्ज करें, कहाँ से उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया चालू हो सकती है। तो मोहाली में हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद हमने लुधियाना में प्रोग्राम किया, आज हम मोगा हैं, कल हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, परसों भागपुर आना, और भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, और 30 तारीख को मोगा में हमारा प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम होगा। तो जैसे अभी प्रोग्राम हुआ था तो कैसा था लोगों का रिस्पांस वहाँ पे? देखिए लोगों का रिस्पांस इसलिए है क्योंकि हम लोगों को कुछ देने आए हैं, उनके हम हक की बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये पिछले 1.5-2 सालों में बल्कि और पहले भी अपन देखें तो एक आम उपभोक्ता को सरेआम लूटा गया है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियाँ हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो इंश्योरेंस हों। इंश्योरेंस कैशलेस होते थे लेकिन किसी भी बंदे को कैशलेस इंश्योरेंस उतना ज़्यादा संख्या में नहीं मिल पाया, लोग अपने इंश्योरेंस के लिए भटकते पाए गए। हॉस्पिटलों का रवैया कैसा था, मैं सभी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम किए हैं, उन सबको सलाम भी करते हैं, लेकिन अब जैसी स्थिति सुधर रही है तो एक आम उपभोक्ता को न्याय और उसको उसका फायदा मिलना आवश्यक है। तो अभी जो अभी आने वाले समय में आपके जो 2 प्रोग्राम हैं या 3 प्रोग्राम आपके हैं तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है अभी? देखिए ये मेरा 5-6 दिन का दौरा था पंजाब का, लेकिन प्रोग्राम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बराबर चलते रहेंगे। हमने कुछ संगठन में नई नियुक्तियाँ भी की हैं, जिम्मेदारियाँ दी हैं, लुधियाना में भी, मोहाली में भी, चंडीगढ़ में भी, और यहाँ पर भी हमारी समिति है। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी प्रोग्राम करते रहेंगे, और अभी 2-3 प्रोग्राम हमारे बाकी हैं। मैं पूरी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब प्रोग्राम में शामिल हो और अपने अधिकारों को जानें। अगर कोई देश की जनता अगर शिकायत करना चाहती है तो कहां पे कर सकती है? हमारी वेबसाइट के माध्यम से www.dasiaro.in और हमारे ट्विटर हैंडल पे @dasiaro.dasiaroindia पे आप कंप्लेन करें। आपकी कंप्लेन को निःशुल्क रूप से, कोई चार्ज नहीं है, आपकी कंप्लेन को हम किसी भी स्तर तक जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप तो देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी हम पूरा देश एक बड़ी महामारी के फेस के अंतिम दौर में है, अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे समय पे सभी सजग रहें, सभी सावधानी रखें और अपने उपभोक्ता अधिकारों का जमकर पालन करें, लेकिन साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। ये जो आपने मुहिम स्टार्ट करी है ये कब तक आपकी मुहिम चलेगी? ये मुहिम हमारी 2 से 3 साल चलेगी क्योंकि देश बहुत बड़ा है। अभी हमने फर्स्ट फेज में गुजरात में, राजस्थान में इसके प्रेस